दोस्तों रामायण के कौन कौन से पात्र महाभारत में भी थे, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दोस्तों रामायण और महाभारत दो महान ग्रंथ हैं। महाभारत का संबंध द्वापर युग से है और रामायण का संबंध त्रेता युग से है, मगर इन दोनों ग्रंथों में कुछ ऐसे पात्र थे जिनके हर काल में होने का साक्ष्य मिलता है, जो अपनी शक्तियों के कारण अजर और अमर थे। चलिए उन्हीं पात्रों को इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। रामायण काल के पहले पात्र थे हनुमान जी। हनुमान जी त्रेता युग में, जहां भगवान राम के कार्यों को पूरा करने में हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान था, वही द्वापर युग में पांडव को जब वनवास काल चल रहा था, तब एक जंगल में भीम को हनुमान जी मिलते थे। जंगल में राह चलते भीम का पैर हनुमान जी की पूंछ पर पड़ जाता है। भीम उनसे पूंछ हटाने को कहते हैं, तब हनुमान जी भीम से कहते हैं कि तू बहुत बड़ी शक्तिशाली योद्धा है, तो मेरी पूंछ को हटा दे। लेकिन भीम अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी हनुमान जी की पूंछ को हटा नहीं पाते हैं। तब भीम समझ जाते हैं कि ये वानर स्वयं हनुमान जी है। बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी के कारण ही पांडव को विजय मिली थी। अर्जुन और श्री कृष्ण ने उन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिए थे, तभी तो वे उनके रथ के ध्वज पर विराजमान हो गए थे और कपी ध्वज कहलाए। रामायण काल के दूसरे प्रमुख पात्र हैं जामवंत जी। रामायण में रावण से युद्ध के लिए भगवान श्री राम की सेना में हनुमान जी के साथ जामवंत भी थे। माता सीता के खोज के लिए जामवंत ने ही हनुमान को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाए थे। महाभारत में एक मणि को लेकर श्री कृष्ण और जामवंत का युद्ध हुआ था, इसमें श्री कृष्ण की जीत हुई थी। जामवंत ने श्री कृष्ण की अपनी बेटी जामवंती का विवाह कराया था। रामायण काल के तीसरे प्रमुख पात्र हैं दुर्वासा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे, उन्हें शिव का अवतार भी बताया जाता था। महाभारत काल में दुर्वासा ऋषि ने पांडव की माता कुंती को एक मंत्र दिया था, जिसकी सहायता से वह देवताओं को ध्यान कर पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकती थी। वही रामायण में दुर्वासा ऋषि महाराजा दशरथ के भविष्य बताए थे और उन्हीं के कारण भगवान राम और लक्ष्मण को अयोध्या छोड़नी पड़ी थी। रामायण काल के चौथे पात्र हैं परशुराम जी। परशुराम जी रामायण उनका तब उल्लेख मिलता है जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर के मौके पर शिव का धनुष तोड़ देते हैं, तब परशुराम को यह देखने के लिए सभा में आते हैं और आखिरी यह धनुष किसने तोड़ा। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार जब मिलता है तब वे भीष्म पितामह के गुरु बने थे और एक प्रसंग के अनुसार उनका भीष्म के साथ युद्ध भी हुआ था। दूसरा जब वे भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन प्रदान करते हैं और तीसरा जब वे कर्ण के ब्रह्मा अस्त्र की शिक्षा देते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आए होंगे। इसी प्रकार से दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।